नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल लाइव। भोजपुरी एक्ट्रेस अमृता पांडे, जो अन्नपूर्णा के नाम से इंडस्ट्री में मशहूर थी, जिन्होंने शनिवार को भागलपुर में अपने अपार्टमेंट में खुदकुशी कर ली, इनकी लाश इनके घर पर पंखे से लटकते मिली है, जिसके बाद से पूरी इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है। आखिर अमृता पांडे ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? सब लोग अमृता पांडे की इस बड़े कदम के पीछे की वजह जानना चाहते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर एक के बाद एक इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस सुसाइड क्यों कर रही हैं। खैर, आइए आपको बताते हैं अमृता पांडे की अचानक खुदकुशी की पहली नजर में क्या वजह सामने आ रही है, जिसने सभी को हिला कर रख दिया है। दरअसल अमृता पांडे के परिजनों ने बताया कि अमृता की शादी 2022 में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर निवासी चंद्रमणि झारंड के साथ हुई थी। वे मुंबई में एनिमेशन इंजीनियर हैं। अमृता अपने पति के साथ मुंबई में ही रहती थी, लेकिन इधर कुछ दिनों से वो पति के साथ भी नहीं रह रही थी, जो इस मामले में सवालिया निशान उठा रहे हैं। अब तक अमृता को बच्चे नहीं हुए थे। बहन के मुताबिक अमृता अपने करियर को लेकर काफी परेशान रहती थी, वह काफी डिप्रेशन में थी, इस वजह से वह अपना इलाज भी करा रही थी। हाल ही में अमृता की हॉरर वेब सीरीज प्रतिशोध का पहला भाग रिलीज हुआ है, इसी लेकर वह काफी एक्साइटेड भी थी। लेकिन अचानक उनका व्हाट्सएप पर एक स्टेटस आता है कि दो नाव पर सवार जिंदगी, और उसके बाद वो अपनी ही जिंदगी समाप्त कर लेती है। जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस इस हाई प्रोफाइल सुसाइड मामले की हर एंगल से तहकीकात कर रही है। सिटी एसपी राज की ओर से बताया जा रहा है कि इस मामले की पुलिस उच्च स्तरीय जांच करेगी। इसको लेकर एसपी आनंद कुमार के निर्देश पर एक टीम गठित कर ली गई है। परिजनों से पूछताछ की जा रही है। बता दें कि अमृता पांडे से पहले भोजपुरी की एक और युवा हीरोइन आकांक्षा दुबे ने पिछले साल बनारस के एक होटल में अपने कुछ निजी कारणों से सुसाइड कर अपनी जिंदगी समाप्त कर ली थी। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।